हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने टेस्टी सा पनीर बटर मसाला बनाया है, जिसकी रेसिपी मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ आधा किलो पनीर को है कट करके रख लिया है। दो बड़े साइज के प्याज को कट कर लिया है, मोटा कट करा है। सेम इसी तरीके से दो टमाटर को कट कर लिया है। लहसुन के 15 से 18 क्लॉव्स लिए हैं और अदरक के टुकड़े लिए हैं 7 से 8। खड़े मसाले में काली मिर्च, जीरा, लौंग, इलायची, तेजपत्ता और बड़ी इलायची ली है और एक 100 ग्राम की अमूल बटर टिक्की ली है। कढ़ाई को गर्म करिए। दो चम्मच तेल डालिए और बटर डालिए। मैंने ऑयल इसलिए डाला है ताकि जो हमारा बटर है वो जले ना। सारे खड़े मसाले डालिए। इसे 30 सेकंड तक भूनिए। अब इसमें प्याज डालिए। लहसुन, अदरक और टमाटर ऐसे मिक्स करिए। इसे हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट तक भूनना है, जब तक हमारे टमाटर ना गल जाए और जो हमारी जो प्याज है वो भी ना गल जाए। हमारा जो प्याज टमाटर है वो गल गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे ठंडा करके पीस लीजिए और तेज पत्ता को निकाल दीजिएगा। हमारा मसाला ठंडा हो गया, अब हम इसे पीस लेते हैं। देखिए हमारा कितना स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो गया है। फिर से गैस ऑन करिए और कढ़ाई को गर्म करिए। कढ़ाई गर्म होते ही इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालिए और अपना बचा हुआ सारा बटर डाल दें। बटर मेल्ट होते ही इसमें अपना पेस्ट डाल दीजिए जो रेडी करा था। अब इस मसाले को 2 मिनट तक भूनिए। मसाले को लगभग भूनते हुए हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम अपने पिसे हुए मसाले डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है और नमक स्वाद अनुसार लिया है। अब मसाले डाल दीजिए कढ़ाई में, ऐसे मिक्स कीजिए। जो मसाला है वो बनके रेडी हो गया है। इसके अंदर पनीर डालिए, मिक्स करिए इसे अच्छे से। हमारा जो पनीर है मसाले में मिक्स हो गया है। अब इसमें पानी मिक्स करिए हल्का। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करिए आराम आराम से।
इसे अब लास्ट 2 मिनट तक और पकाइए। सब्जी में देखिए कितना ज्यादा गाढ़ापन आ गया है। अब इसे हमें और गाढ़ा नहीं करना है, अब गैस की फ्लेम को है जो बंद कर देना है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग खाने की वीडियो बनाते रहूं। धन्यवाद।